पंजाब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पंजाब पहली स्टेट बन जाएगा देश का जिनके पास अलग से सड़क सुरक्षा फोर्स है। जब मैं पार्लियामेंट में था तो मैंने डाटा निकलवाया था और सबसे ज्यादा मौत एक्सीडेंट में पंजाब में होती थी, 14 पर डे उस समय 16-17 की बात। आज और भी बढ़ गए, 17-18 के आसपास पर डे ऑन द स्पॉट। तो ये अगर इसको महीनों में और साल में कर लें तो 6000 से ज्यादा एक साल में मौतें हो रही हैं जो रुकी जा सकती हैं, ह्यूमन एरर। तो उसके लिए हमने फैसला किया SSF बनाने का, सड़क सुरक्षा फोर्स, और अलग से उनकी यूनिफॉर्म है और उनको बहुत ही हाई क्वालिटी की गाड़ियां जो कि इस वक्त दुबई पुलिस के पास हैं, और उनमें अपडेटेड कंप्यूटर सिस्टम, हर गाड़ी आसपास के नज़दीक के सभी ट्रॉमा सेंटर और हॉस्पिटल से अटैच्ड है ताकि इमीडिएटली कोई अगर एक्सीडेंट होता है जान बचाई जाए। और गाड़ी में कटर, फर्स्ट एड का सामान, और कोई अगर कोई व्हीकल ऐसा है जो खड़ा है खराब होके, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें उसमें होती है, व्हीकल खड़ा है पता चलता नहीं है तो उसके नीचे गाड़ी घुस जाती है, परिवारों के परिवार खत्म हो जाते हैं। तो आज ये जो सुरक्षा सड़क सुरक्षा फोर्स है, ये किसी व्हीकल को आप ऐसा नहीं लावारिश खड़ा देखोगे, उसको अलग से करके उसको साइड पे किया जाएगा जब उसकी लोकेशन जो है वो वहां से बल दिएगी ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो मैं DGP साहब को और ADGP ट्रैफिक को और सड़क सुरक्षा फोर्स बनाने वाले जितने भी अधिकारीगण हैं सबको बधाई देता हूँ। ये सर इंडिया की पहली ऐसी फोर्स है, और कितनी गाड़ियां अभी पहले में दी? 117 आज गाड़ियां जो हैं वो चली गई हैं, और बाकी इंटरसेप्टर हैं। हर आपको हर 30 किलोमीटर के रेडियस में एक आध गाड़ी मिलेगी आती जाती, और इंटरसेप्टर खड़ी होंगी जो सबकी स्पीड पर और उनकी कोई रैश ड्राइविंग ना कर रहा हो उस पर ध्यान रखेंगे, आपस में इन टच रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम पंजाब को सबसे ज्यादा सुरक्षित सड़कों के मामले में, क्योंकि देखो पंजाब में 1,00,000 बंदा पर डे तो सिर्फ अमृतसर साहब में, श्री दरबार साहब में माथा टेकने के लिए, दुर्गाना मंदिर में, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर देखने जाता है, और भी कितने हमारे पंजाब में गुरुओं के स्थान हैं, देवी देवताओं के स्थान हैं, तो पूरा पूरा परिवार जाता है, कई बार पूरा ट्रक भर के जाते हैं, गांव का गांव जाता है। तो कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि पूरा परिवार ही खत्म हो गया एक एक्सीडेंट में। तो हम चाहते हैं कि ये पुण्य तो कम से कम हम कमाएं, कि अगर 50% पे भी हम पहले टारगेट में आ गए तो कम से कम 3,000 जाने बच सकती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।